मोहतरम सामईन कराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहु। आइए जानते हैं कि नमाज पढ़ने का आसान और सही तरीका क्या है। तो सामईन कराम, नमाज पढ़ने का तरीका यह है कि बावजू किबला की तरफ मुंह करके इस तरह खड़ा हो कि दोनों पंजों में सिर्फ चार उंगली का फासला रहे और नमाज की नीयत करे और दोनों हाथ कानों तक ले जाए कि अंगूठे कानों की लो से छू जाएं, यानी नरम हड्डी से छू जाएं। बाकी उंगलियां अपने हाल पर रहें, ना बिल्कुल मिली ना बहुत फैली, और हथेलियां किबला की तरफ हों और निगाह सजदे की जगह पर हो, और जिस वक्त की जो नमाज पढ़नी हो उसकी नियत करे। याद रहे कि नियत दिल के पक्के इरादे का नाम है, जबान से कह लेना अफजल है। दिल में उसका पक्का इरादा करके अल्लाहु अकबर कहता हुआ हाथ नीचे लाकर नाप के नीचे बांध ले, और इस तरह के दाएं हथेली की गुद्दी बाएं कलाई के सर पर हो और बीच की तीनों उंगलियां बाएं कलाई के पीठ पर और अंगूठा और छोटी उंगली कलाई के अगल बगल हो, और उसके बाद सना पढ़े, यानी सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक व तबारक इस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। अगर जमात से नमाज पढ़ रहे हैं और आप मुक्तदी हैं तो इसके बाद आप खामोश हो जाएं। अगर फजर या मगरिब या इशा की नमाज हो तो इमाम बुलंद आवाज़ से किरात करेंगे, आप किरात को बग़ौर समात करें, और इमाम जहर व असर की चारों रकतों में और मगरिब की तीसरी रकत और इशा की दोनों तीसरी और चौथी रकत में आहिस्ता यानी बुलंद आवाज़ से किरात नहीं करेंगे, इमाम आहिस्ता किरात करेंगे, तो आपको तब भी नहीं पढ़ना है, खामोश रहना है। और अगर आप अकेले पढ़ते हैं तो आप सना पढ़ने के बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फिर अलहमद शरीफ पूरी पढ़ें और ख़त्म पर आहिस्ता से आमीन कहे। उसके बाद कोई सूरत या तीन आयतें पढ़े या ऐसी एक आयत पढ़े जो तीन छोटी आयतों के बराबर हो, फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ रुकू में जाए और घुटनों को हाथ से पकड़े, इस तरह की हथेलियाँ घुटनों पर हों और उंगलियाँ खूब फैली हों और पीठ बिछी हो और सर पीठ के बराबर ऊंचा ना हो और नज़र पैर की तरफ हो, और कम से कम तीन बार सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान रब्बिल अज़ीम कहे। तो तीन बार सुभान रब्बिल अज़ीम कहने के बाद अगर आप अकेले हैं तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा पढ़ें, और अगर जमात से पढ़ते हैं तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा ना पढ़ें बल्कि खड़े होने के बाद रब्बना वलकल हम्द पढ़ें, और अकेले अगर पढ़ते हैं तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा के बाद रब्बना वलकल हम्द भी पढ़ें। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदे में जाए, इस तरह के पहले घुटने ज़मीन पर रखे फिर दोनों हाथों के बीच सर रखे, इस तौर पर कि पहले नाक तब माथा और नाक की हड्डी ज़मीन पर जम जाए और नज़र नाक की तरफ रहे, और बाजुओं को करवटों से और पीठ को रानों से और रानों को पिंडलियों से जुदा रखे, और दोनों पांव की सब उंगलियों को किबला की तरफ रखे, इस तरह के उंगलियों का सारा पेट ज़मीन पर जमा रहे। हर पांव की कम अज़ कम तीन उंगलियों का पेट ज़मीन पर लगना वाजिब है। हथेलियाँ बिछी हों और उंगलियां किबला की तरफ हों, और कम से कम तीन बार सुभान रब्बिल आला सुभान रब्बिल आला सुभान रब्बिल आला कहे, फिर सर उठाए, इस तरह के पहले माथा फिर नाक फिर मुंह फिर हाथ, और दाहिना कदम खड़ा करके उसकी उंगलियां किबला रुख करे और बायां कदम बिछाकर उस पर खूब सीधा बैठ जाए, और हथेलियां बिछाकर रानों पर घुटनों के पास रखे कि दोनों हाथ की उंगलियां किबला को हों और उंगलियों का सर घुटने के पास हो, फिर ज़रा ठहर कर अल्लाहु अकबर कहता हुआ दूसरा सजदा करे, ये सजदा भी पहले की तरह करे, फिर सर उठाए और हाथ घुटनों पर रखकर पंजों के बल खड़ा हो जाए। उठते वक्त बिला आज़र हाथ ज़मीन पर ना टेके, ये एक रकात पूरी हो गई। अब सिर्फ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़कर अलहमद शरीफ और कोई एक सूरत पढ़े और पहली रकात की तरह रुकू व सजूद करे, फिर जब दूसरे सजदे से सर उठाए तो दाहिना कदम खड़ा करके बायां कदम बिछाकर बैठ जाए और तशहुद यानी अतहियात पढ़े। पूरी अतहियात पढ़ने के बाद अगर आप दो रकात नमाज पढ़ते हैं तो दरुज शरीफ और दुआए मासूरा पढ़ के सलाम फेर दें, वरना अगर तीन रकात या चार रकात वाली नमाज पढ़ रहे हैं तो आप तीसरी रकात के लिए अतहियात पढ़ने के बाद फौरन खड़े हो जाएं, और फ़र्ज नमाज पढ़ते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सिर्फ अलहमद शरीफ पढ़ें और रुकू में जाएँ, और अगर सुन्नत नमाज पढ़ रहे हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद अलहमद शरीफ और एक सूरत मिलाएं। तो फ़र्ज नमाज सिर्फ अलहमद शरीफ पढ़कर रुकू में जाएं, और सुन्नत में अलहमद शरीफ के साथ कोई एक सूरत मिलाएं या कोई बड़ी आयत मिलाएं या तीन छोटी आयत मिलाएं, उसके बाद रुकू करें। इसी तरह तीसरी रकात और चौथी रकात पूरी करें, उसके बाद पहले की तरह बैठकर अतहियात पढ़ें
और उसके बाद दरुज शरीफ पढ़ें, दुआए मासूरा पढ़ें और फिर दोनों तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हुए सलाम फेर दें। इस तरीके से आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और अपने अजीज दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल में पहली मर्तबा विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।